वही टाइम हाथों हाथ नया आई डी आयो और मैंने एक बेलनाकार पत्ती बना के और मैं नीचे रबड़ डाल के चारों ओर फिर मैंने अपना एक डेढ़ घंटा मैंने बच्चन बाहर निकाला। मतलब एक वो तो बहुत एक नायाब तरीको थे ईजाद करियो है और इन पर खर्चों भी बहुत आया उन्होंने। 1000 रुपये में हमने आज तक करीबन 4-5-6 रेस्क्यू किए हैं अभी तक, एक बच्चा जीवित भी निकाला है। करोड़ों रुपया देखो प्रिंस गिरो जयपुर के अंदर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बच्चों भी बहुत दूर मुश्किल। और अगर थे जानता तो 1000 रुपया हम रेस्क्यू हो जानता मात्र मारे तो जुगाड़ी 1000 रुपया हम तैयार हो जाए बन गए। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बीकानेर में कोट गेट एक बहुत फेमस जगह है, 20 जगह हूँ और रेलवे क्रॉसिंग पर आप एपिसोड भी ले चुके हैं। तो बेसिक तौर पर भाई साहब है जो छत्तरगढ़ जुड़े है, छत्तरगढ़ 465 आरडी। तो 465 हेडू जुड़ेड़ा है, एक बहुत ही नायाब काम है जो ये करें। अभी जो नवोलखी हनुमानगढ़ में गोलू वाला जगह, गोलू वाला मतलब ये रेस्क्यू करे है, आदमी अंग रेस्क्यू करे है। अगर कोई बोरवेल में कुएं में अगर गिर जाए तो 20 जगह ये रेस्क्यू करे है। और आंकने एक देसी जुगाड़ है जके मध्यम हुए है जो काम करें, लेकिन देसी जुगाड़ है जो ये ऊपर तक ले जाना चाहे। अगर कोई बोरवेल में अगर कोई गिर जाए, ट्यूबवेल में गिर जाए, मैं सबों पहला आप झलको बीकानेर की अगर हिस्ट्री में जाऊँ तो सबों पहला फर्स्ट एपिसोड अगर से देखो तो एक आदमी हो जो 820 आरडी में एक कुएं के नीचे दब गयो, लेकिन प्रशासन अविनाश के पास खोदने में मशगूल रहे हो और खुदाई है जो देर रात 1 बजे तक चलती थी और भी आदमी की डेथ है जो भोगी। अपना प्रयास वो है कि आप बीकानेर जिले में इसी घटना बार बार होती है जब जमीन पोली है और आने तुरंत सूचना देवा और सूचना देने बाद में तुरंत बट पहुंचे और कोई जिंदगी बचावे तो बहुत बढ़िया। माने भी आभास हुए को कि भाई आपा हर गांव तक पहुंचा और आने भी ऊपर रखने कोशिश करिए। तो और बहुत बहुत स्वागत है थारो भी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले झलको बीकानेर देखना सारा दर्शकों मेरी तरफ घनी घनी राम राम। भाई साहब वो जी थे एक आइडियो लगाए हुआ है, वो आइडियो कठू मतलब इजात हो किसी जगह मतलब। देखो मेरा पिताजी है जका स्टार्टिंग करी आशीष और घर में एक नॉर्मली तरीके में देखा नहीं था, एक बिल्ली आई करती मारे घरे जैसे डली डली मतलब एक डेक्सी आई करती नहीं आपने दूध खाना मतलब गुड़गड़ा जानती खिड़ा जानती डली। तो बिन पकड़न खातर मेरी एक चीज़ बनाई भी डेक्सी बार बार रबड़ लगा के बठू आईडियो आयो और सबसे फर्स्ट आप रेस्क्यू करो जो जीवित बच्चों निकाले मेरे पिता से। किया मतलब रेस्क्यू कहीं टाइप करो रेस्क्यू करने खातर जब आपने 2007 में श्रीमती श्रेया गुहा जी बीकानेर का जिला कलेक्टर तो खुदाई संभव कोनी भी बोरवेल के अंदर खुदाई असंभव कारण प्रशासन का भी हाथ खड़ा। तो वही टाइम हाथों हाथ नया आई डी आयो और मैंने एक बेलनाकार पत्ती बना के और मैं नीचे रबड़ डाल के चारों ओर रबड़ डाल के मैं अंदर रस्सी पो गए और मैंने अंदर डाले गए और मैं जब रस्सी ना पा खींचा नहीं तो रबड़ टूट जाए और बच्चे का पैर बंद गया जब रस्सी कवर रही गोलकार। फिर मैंने अपना एक डेढ़ घंटा मैंने बच्चन बाहर निकाला, प्रकाश नाम का लड़का जीवित। तो भाई साहब आज एक थे जो को जुगाड़ बता रहे हो, आइडियो थार मन मायो पिताजी के मन मायो? आइडियो पिताजी को और पिताजी यहाँ जका मतलब हर एक मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बनाता रहे। अभी नहर के अंदर जगह कोई लोग गिर जाए उन्हें सुसाइड वगैरह कर ले तो मान के 10-10, 12-12 दिन लोग बैठे रहे गोताखोर बुलावे तो आप घर ही नहर मुँह निकालने खातिर भी किसी जुगाड़ बनाए कि नहर के अंदर कौन जाओ बाहर के बैठे बैठे आप बॉडी निकाल सका अंदर दबी हुई बॉडी पतो क्या चला पतो मतलब ज़्यादा वगैरह सुसाइड वगैरह करें चप्पल चप्पल खोल एक निशानी हो जाए पाँच मैं मरे हूँ अरे सुसाइड करे वो अंदर जावे तो बैठे गोताखोर वगैरह भी एक लड़का निकालने की कोशिश करी गोताखोर कौन ला दो और भी लड़का ना पाया। घटना 465 रेट की 465 रेट की मन मेरे पिताजी थे निकले हाँ पिताजी निकाले यहाँ मतलब वो सिस्टम किया काम करे वो आपने जो कल्टीवेटर टाइप है तो ट्रैक्टर के जगह कल्टीवेटर हो नहीं टाइप है तो अंदर मतलब नहर के अंदर पूरा डल जाए वो एक स्पोर्ट रहे बिना एक दिन आगे चलाने खातर चीज़ है पटरे के ऊपर मतलब पटड़ी हो नहर के सारे में खासा साग साग चलाना पड़े जब करके मतलब बिना आप खोद के अंदर वो एक जब खेत में कल्टीवेटर निकले नहीं तो इतना खुरपा सा लगे मी टाइप में बनाए तो बॉडी ऊपर आ जाए फिर बॉडी खराब होनी है बॉडी देखो अब बॉडी तो भी मतलब अगर गोताखोर निकाला अगर वेट करे तो बॉडी तो भी खराब होनी है नहीं प्रशासन को भी टारगेट हो रहा है कि बॉडी जल्दी से जल्दी बाहर निकालो है ना लोगों का भी वही रहा कि बाहर निकालो जाओ जल्दी हो जल्दी क्यों लाद देना एक बेसब्री का इंतजार हुआ वो टाइम। तो कुएं मा मान लो कि थे 80 फुट अगर गहराई है या कितना फुट गहराई तक थे रेस्क्यू कर सको? मैं जयपुर के अंदर करियो 350 स्क्वायर फुट स्क्वायर फुट अपने फिट स्क्वायर फिट 350। तो के मुश्किल भी मैं
मुश्किल प्रशासन वैशाली नगर की घटना है जयपुर के अंदर, पिताजी भी आ और वो जकी लेडीज जीवन सुसाइड करे हो तो वह जैन मंदिर आगे गिरी। अब जैन मंदिर तो तोड़ कौन सके, अगर खुदाई करनी तो जैन मंदिर ने तोड़ना संभव कौन, प्राचीन मंदिर है जयपुर के अंदर। तो उन्हें सुसाइड करे हो तो वह पानी के अंदर फूल गई, पूरी पानी के अंदर गई, पूरी फूल गई। फूलने बाद में मतलब इंजीनियर भी आ, आर्मी भी ही, NDRF SDRF सब भी, तो एक ब्लाउज को टुकड़ो निकलो 3 घंटा की मशक्कत के बाद, बहु निकलो ही कौन करे की निकाले क्या तरीको ही कौन आ रहे हो। तो 3.5 घंटा की मशक्कत के बाद अपन लेडीज बाहर निकाले। ये लड़का था, ये बीच में फंस गया था। नहीं तो बहुत जुगाड़ किए, मतलब मायने थे जाओ या मतलब बैठे बैठे CCTV कैमरा वाटर प्रूफ लागे हुए, सारो सिस्टम अंदर जाके बारे लाइव प्रसारण चालते रहे। जी न्यूज पे भी मतलब चीजें कई चीजें चाले है, कई लोगों ने समझ CCTV कैमरा अंदर मतलब बारह प्रसारण है जो चालते रहे। हाँ, बारह प्रसारण चालते रहे ताकि मान कल गले में रस्सी डल जाए तो, अगर जीवित बच्चो है, डॉक्टर जीवित घोषित करा कि जीवित है, अगर आप गले में रस्सी गाल के मार दें तो फिर आपने रूल टूट जाए। तो मतलब एक वो तो बहुत एक नायाब तरीको थे इजाद करियो है, और इन पर खर्चो भी बहुत आया, मात्र 1000 रुपये। 1000 रुपये? 1000 रुपये में हमने आज तक करीबन 4-5-6 रेस्क्यू किए हैं अभी तक, एक बच्चा जीवित भी निकाला है, और 1000 रुपये मात्र। 1000 रुपया में रेस्क्यू करियो भाई 350-300 फीट नीचू, और बेबी जीवित है जो निकाल चुका है। अपना अगर देखा तो करीबन मेरे देखने में एक रेस्क्यू जो है वो हो, लेकिन रेस्क्यू वो अंजाम भी न सही तरीके में दे कौन पाया, हालांकि डेथ होगी। तो बिंग अंदर आप माना तो एक तो जो खेत को मालिक हो, बिंग आज भी खड्डा खुदड़ा पड़े है, आज भी मतलब बिंग खेत में मतलब वो भरी कौन सके, इतो मतलब रेत बारे निकाल चुके हैं। और एक प्रशासन को कितो खर्चो लाग्यो, लोग बाग कितना परेशान होया, ये चीज़ा मैं खुद देख चुके हूँ। झलको हनुमानगढ़ पर भी मैं 3 दिन तक लाइव रहा, और 3 दिन तक नवलखी गाँव में प्रशासन बहुत ज़्यादा पीछे लगाए, सीकर के मायने भी झलको सीकर पर भी हमारी कवरेज है जो रही, तो एक कवरेज है जो झलको के अलग प्लेटफॉर्म पर थे देख चुका हो, और बहुत ज़्यादा खर्चो लगा है। 1000 रुपये में रेस्क्यू, बहुत एक यूनिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। लोगों ने एक आश्चर्य हो जब अपने श्रेया गुआ जी जिला कलेक्टर ने तो बच्चन रेस्क्यू करे बाद में वहाँ के मतलब कह इसे क्या चीज़ है देखो, मतलब 1 घंटे के अंदर जीवित बच्चों निकाल दियो। तो वहाँ भी मैं जुगाड़ ने घरों मंगवाए हमारे देखियो वहाँ समझ में कौन। फिर 26 जनवरी पे पिताजी को सम्मानित किया, तब उन्होंने इनको समझाया कलेक्टर साहब को कि ऐसे ऐसे मैंने रेस्क्यू किया है, कि अब थारखंड ऐसा कॉल राजस्थान हरियाणा अलग अलग जगह आएगा, तो भी जगह थे पहुंचो। बिल्कुल देखो मारे हाथ हूँ, और जितनी भलाई होने की कोशिश हो सी, मैं आधी रात को भी निकल के चालने तैयार हूँ। पापा की सोच ही, पिताजी की सोच ही, और बाकी यही सोच है कि जितने मैं काम आ सकूँ, जितने मेरी दिमाग काम आ सके मैं लेऊंगा। बिल्कुल अपन नहरमू निकाले हो, अब मैं विदाउट कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं अभी तक, पर प्रशासन से थोड़ी सी मतलब थोड़ी शिकायत के उम्मीदा हैं थाना बताओ। प्रशासन से थोड़ी सी मतलब एक शिकायत है कि प्रशासन अभी जरूरत होगी, प्रशासन हमें भी और प्रशासन से ही कॉल आता है, डायरेक्ट लोगों का नहीं आता, प्रशासन से कॉल आता है कि आप आओ हम जाते हैं रेस्क्यू करते हैं फ्री, सम्मानित कर दिया फ्री, ठीक है हम इस चीज़ को मतलब डेवलप करें, और इस चीज़ में मतलब वाटरप्रूफ कैमरा हो गया, इसको थोड़ा और ज़्यादा अपने हैवी मतलब बढ़िया बनाए, ये सोच है, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रशासन से मैंने डिमांड की थी, अपने माननीय मंत्री साहब अर्जुन राम जी उनसे भी मैंने बोला था, मिलकर व्यक्तिगत तौर पर मैंने लिखित में दिया, पर अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं से भी। अगर थाने जनता सपोर्ट करना चाहे, देखो जनता की बात आए तो हमारे जो लोकल फील्ड है जठा का मैं रहने वाला, भट्ठा का लोग इकट्ठा हो गए और मैंने सपोर्ट करने की कोशिश करी कि भाई मैं अपने जगह कई गाँव में गाँव कई सरपंच वगैरह मिल गए, क्यों इतनी दूर रेस क्यों करने जाओ, सरपंच भी हुआ सारो कुछ सिस्टम हुआ, तो वहाँ के मैं हेल्प करा। तो एक चीज़ बताऊँ, अपन जयपुर के अंदर में रेस्क्यू करे नहीं, जद विंग हस्बैंड था ना उसका, मतलब इतना ज़्यादा पीसाणी पार्टी अपन से क्या बोला नहीं, थोड़ा पीसा थोड़ा ठीक है, पर अपन वहाँ यहाँ क्यों थे कितो रुपये ले लो, मेरी लेडीज बाहर निकाल दो, अपन रुपये साइड में रखे, मैं लेडीज ने बाहर निकाल दी, अपन रुपये को अच्छा, अपने किसी से पैसा पर्सनली किसी से पैसा नहीं लेना, नहीं अगर पैसा चाहिए नहीं, हाँ पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा क्यों चाहिए, जो मटेरियल अपने को चाहिए ना वो मटेरियल प्रशासन अवेलेबल कराए। और कलेक्टर साहब शैलेंद्र जी देवड़ा है, उनसे भी मेरी व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मेरे को मतलब डांडस मंदवाया था कि हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। नहीं फिर भी भामाशाह लोग देख रहे हैं, भामाशान थे का, अगर एक तो आ चीज़ का जो वो आपने जो जुगाड़ बनाएड़ो है बिना अपन जितो भी ज़्यादा काम में लेस का मिल ले, ठीक है ठीक है, क्योंकि हादसा होता जा रहा है, प्रशासन खुदाई करे, प्रशासन खुदाई करे, लाखों रुपया बर्बाद हुआ है, बच्चे की जान कौन बच पावे, मतलब 10-10 दिन बड़े बैठे आ रहे लाइटा लगाए तो क्या मतलब है,
करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, करोड़ों रुपया देखो प्रिंस गिरो जयपुर के अंदर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया, बच्चों भी बहुत दूर मुश्किल और अगर थे जानता तो 1000 रुपया रेस्क्यू हो जानता मात्र मारे तो जुगाड़ ही 1000 रुपया हम तैयार हो जाए बन के। अच्छा बन के तैयार हो जाए अंदर डालो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा के अंदर जाके आराम बाहर निकालो कोई दिक्कत। और अगर मलबो मिल जाए ऊपर तो मलबो मिल जाए तो मलबे ने हटाने को जो माने बच्चों अंदर एक स्वतंत्र तौर पर दिख जाए बच्चों अंदर स्वतंत्र है मतलब आजाद है बिल्कुल मैंने बाहर निकालना है वो मैं काम करता हूँ। मलबो हटाने का काम है वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो गया, वो अलग प्रोसेस हो गया। हाँ वो अलग प्रोसेस होगी वो प्रशासन आप सोच सकें यहाँ साइड में करना है बस फिर एक बॉडी होगी मैंने बॉडी के तौर पर निकालो जाए अगर बच्चों जीवित है तो बिन जीवित का अकॉर्डिंग निकालो जाए भाई कहीं डैमेज ना आए कटिंग है ना स्क्रेच भी ना आए। मुख्य समस्या इंदिरा गांधी नहर गए कन्नू थे बिलोंग करो जब इंदिरा गांधी नहर में सुसाइड जो केस है ये बहुत ज़्यादा है, सुसाइड का केस बहुत ज़्यादा है लोग 12-12 दिन बेचारा रात ने जनरेटर वगैरह लाइटा लगा के पुलिया के ऊपर बैठे रहे हेड पर बैठे रहे और मेरे तो सब लोगों ने आई मतलब विनती है कि कोई भी थारे सिक्को गिलो है तो घर गाँव शेयर करो देखो खुदकुशी का शिकार ना हो। अगर बाई दे थाने कटी कोई परिवार में प्रॉब्लम आ रही है तो अपा भी जुगाड़ू एक बॉडी निकाली है और अगर थारे में कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप बिल्कुल थर काम आऊँगा जितना मारो दिमाग है मैं काम आऊँगा। तो ये मुहिम में तो मैं थार सा गया क्योंकि लोग अब बहुत देखे मैं कि एक तो सुसाइड करें ऊपर उम्र कितना दुखी हुए और पूरा परिवार पूरा समाज मतलब नहरा पर बैठे हुए हम मतलब नहर तो नहीं इंदिरा गांधी नहर है नहीं तो एक मतलब एक सुसाइड के मामले में तो बहुत बड़ी समस्या है फील्ड में मतलब थोड़ी सी बहुत ही कोई टेम्परेचर की कोई बंदा को हाई हो माइंड को नहर गामांग सार करा रही है टच में फटाक से नहर में मतलब बंदन 4 किलोमीटर चलने को मौका मिले तो माइंड की ठंडो तो है बट मौका ही कौन मिलने लगे 2 बीघा चलिया नहर आगे कूद गया आपकी ज़िंदगी खराब पिछला 10-10, 12-12 दिन फिर रहे मांगी खराब। जो वो नहर के अंदर जो थे सिस्टम डालो भी नहर के अंदर मतलब कोई लाइट चले या जनरेटर ना, ना, कोई लाइट को नहीं सब हाथ सिस्टम चलना रहा अपने लाइट लाइट कुछ कौन लगे कितना आदमी चाहिए बस 1-2 आदमी चाहिए थारा टीम होगा बस टीम या फिर मतलब ग्रामीण लोग मदद करता रहे। अगर आप प्रशासनिक तौर पर जावा नहीं बारे बोरवेल रेस्क्यू करने जाओ तो आर्मी जिंदाबाद NDRF SDRF की टीमें अवेलेबल मिलती है वहाँ पे तो वो सारा ट्रीट करते रहते हैं उनका भी दिमाग हमारा भी दिमाग मिलकर रेस्क्यू को अंजाम दे देते हैं। SDRF टीम अगर मन देख रहा है और नंबर चाहिए तो थे लेस को और अगर थाने अगर नंबर अवेलेबल है तो थाने में आऊँगा हर एक थाने में नंबर है जो पहुँचाऊँगा। और अब जो थारकने कॉल और जो थारकने ये है ये तादाद और बढ़ जी क्योंकि इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में आज जो समस्या है आ रही है। मैं तो सबसे बड़ो संदेश ग्रामीण लोगों वही है अगर थारे घर के आजू बाजू टच में कोई बोरवेल जगह मोटर वगैरह नहीं है थे खाली छोड़ रखे तो बिन बोरी हूँ या फिर एक प्लास्टिक को ढक्कन बिन पैक कर दो क्योंकि जिंदगी को बच्चों खेल तो बेचारो अंदर जा चले जाओ खेलता ज़्यादा शिकार हुआ सुसाइड तो बोरवेल में शिकार ही कम हुआ क्योंकि बोरवेल को साइज बच्चे जीतो ही हुआ ज़्यादातर वो बड़ा बोरवेल है अंदर चढ़ाई ज़्यादा हुआ तो भाई इंसान पूर्व आ जाओ बाकी ज़्यादातर बच्चा अगर तुम्हें ढक्कन पैक करवा अगर आपको जीती हुआ है भाई दुबे काल ने कोई प्रॉब्लम हो ही जाओ तो बिल्कुल याद करो थार खातर एकदम सेवा में खड़े हैं। तो ए भाई साहब 465 स्टेडियम जुड़े रहा लेकिन मुलाकात है जो अपने बीकानेर में हो रही ही तो आज जो तस्वीर है आ मैं रखने की कोशिश करिए तो जगह नंबर में देने की बात करिए नंबर है जगह था नज़दीकी थाना में आऊँ थे संपर्क कर लिया या नज़दीकी थाना में अगर थे जाओ तो मेरू संपर्क कर लिया और अगर प्रशासन संपर्क करना चाहे तो मारू डायरेक्ट संपर्क कर लिया आन तक मैं पहुंचा देवा और ए भी जगह भी पहुंचाई मात्र 1000-1200 रुपया में ये जुगाड़ू बॉडी ने कुछ मात्र कुछ घंटा में सेफ बारे निकाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।